हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको एप्टोस कॉइन जो कि मेजर सभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट भी हो चुका है, तो क्या हमें उसके अंदर एंट्री करनी चाहिए। और ऑलरेडी ये बाइनेंस पर तो $100 प्राइस को टेस्ट करके आया है, काफ़ी ज़्यादा मैसिव पंप हुआ था ये। तो अब क्या करना चाहिए, हमें कहाँ पर किस रेंज में इसके अंदर एंट्रीज लेनी चाहिए, क्या ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा फायदेमंद होगा। और जो हम अगर सोच रहे थे सोलाना कॉइन के बारे में, डॉट कॉइन के बारे में, इथेरियम कॉइन के बारे में, जिस नज़र से हम इसको देखते हैं क्योंकि उन पर जो प्रोजेक्ट बनते हैं, तो क्या हम एप्टोस को भी देख सकते हैं अपनी, ये समझ लीजिए मिड टर्म होल्डिंग पर्पज से, लॉन्ग टर्म होल्डिंग विजन के हिसाब से भी इसको भी देख सकते हैं। जैसे डॉट ने अच्छा किया, सोलाना ने भी काफ़ी अच्छा किया, और आपके साथ साथ इथेरियम ने तो काफ़ी बूम मचाया था, तो क्या एप्टोस भी ऐसा कर सकता है। और एक्चुअली जो इनके अंदर जो दिक्कतें थी, चाहे इथेरियम की बात कर लीजिए, चाहे सोलाना चेन के अंदर बात करें, चाहे डॉट के अंदर बात कर लीजिए, तो एप्टोस ने वो दूर करने की पूरी कोशिश की है। और काफ़ी बड़े बड़े नाम, काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ जुड़े हुए भी हैं। थोड़ी कॉइन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, पर नो इशू, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करके दिखाएगा। और टोकन के जो टोकनॉमिक्स को भी देखने के बाद लगता है कि ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और सारी चीज़ें देखने के बाद, स्टडी करने के बाद आपके लिए लेकर आया हूँ। बाकी मैं ज़्यादा चीज़ में डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम इस पर कितने में बाय कर सकते हैं, ठीक है, और हमारी रेंज क्या होनी चाहिए, हमें कितना ये प्रॉफिट देकर जा सकता है। तो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर दबाइएगा। सीधा लेकर चलता हूँ, पहले मैं आपको कोइन मार्केट कैप पर आप देख सकते हो कि इस वक्त करंट प्राइस इसका 7.46, अगर हम चार्ट की भी बात करते हैं तो इस वक्त भी करमुज 7.33 के आसपास का इसका करंट प्राइस चल रहा है। और बाइनेंस की बात करें, जो बाइनेंस के इसने $100 को टेस्ट किया है, आप देखिए कितना मैसिव गेन किया था इसने करंट प्राइस से, यानी करीब करीब $1 से लेकर $100 सीधा सीधा 100x के आसपास ही इसका प्राइस हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मैसिव ग्रोथ दिया होगा। बट आई एम श्योर के इस प्राइस पर जो एक मिनट की जो सिंगल कैंडल गई थी ना, इस पर कोई बेच भी नहीं पाया होगा, और जिन्होंने मार्केट प्राइस पर बाय करने की कोशिश की होगी वो फंस गए होंगे ऊपर, ठीक है, पता नहीं कब तक फंसे रहे, नहीं पता। हाँ ये जरूर है, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, आने वाले दिनों में, चाहे महीनों में, साल के अंदर आपका रिकवरी भी करा देगा, प्रॉफिट देकर जाएगा। तो पहली बात तो आपको ये कहना चाहूँगा, कभी भी कोई नया कोई लिस्ट होता है तो मार्केट प्राइस पर बिल्कुल भी बाय ना करें। एक्सचेंजेस आपको मोस्टली टॉप प्राइस पे ही बाय कराएंगे, ठीक है, सेल करके देखिए, आपको बॉटम में सेल करने कराएंगे, और अगर बाय करोगे तो आपको टॉप पे बाय कराएंगे। ये ऑटोमेटिक इनका, इनके सब कुछ सेटिंग पहले से ही होती है, तो आप इसमें मत सोचिए कि ये मैंने इस पर बाय कर लिया, इनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा खामियाँ होती हैं। अब बात कर लेते हैं हमें इसको किस प्राइस पर बाय करना चाहिए। आप चाहें तो इसके पूरे ये वाइट पेपर को भी रीड कर सकते हैं, मैं ज़्यादा इसके डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब क्वार्टर थर्ड के अंदर इनका मेननेट था, जो ये कह चुके हैं कि भी हमारी तरफ से अनाउंस हो चुका है, आ चुका है, तो हम मान लेते हैं। दूसरा, इनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि क्वार्टर फर्स्ट के अंदर, जो 2023 के अंदर, ये कुछ ये अपने साथ कुछ और इवेंट लेकर आ रहे हैं या कुछ नया करने वाले हैं, जिसके कारण इसके प्राइस के अंदर हम थोड़ा फिर से देख सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, यानी कि हमें प्रॉफिट देकर जा सकता है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है, बाइनेंस की बात करते हैं और एक्सचेंजेस पे देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पर ये लिस्ट हो चुका है। देखिए बाइनेंस, OKX, BTCX, FTX, वो भी कोई भी एक्सचेंज मेरे हिसाब से इसने छोड़ा ही नहीं है। जबकि देखिए ये एक ही हमारा कोइन मार्केट कैप है, ये देखिए क्रैकन, BTC, मतलब मोस्टली सारे बड़े एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट हो चुका है, जहाँ पर इसको होना ही चाहिए था, ठीक है। तो ये आपके सामने डिटेल है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैप, अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैप पे भी चल लेते हैं थोड़ा सा। अभी करंट मार्केट कैप आप देख सकते हो 928 मिलियन का मार्केट कैप है, इस वक्त करंट मार्केट कैप है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस को हमें जो बाय करना चाहिए, करीब करीब $4.50 से लेके और $6.25 के बीच में, यानी कि मैं आपको एक रेंज भी दे देता हूँ, अगर आपको इस रेंज में मिलता है तो आप चाहें तो ले सकते हैं अपने रिस्क एंड कॉस्ट पर। दोस्तों इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पर 6.25 से लेके और आपको 4.50 के बीच में मिलता है, तो आप इस रेंज में इसको लेना चाहे ले सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो यहाँ पर अपनी बिड सेट कर सकते हो, और अगर आपको दो या तीन पार्ट यहाँ पर लगा के रखेगा, एक पार्ट अगर इसके बिलो भी जाता है तो आप ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाना चाहिए, पर होने में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और
और इन्होंने क्या करा, जैसे ही इन्होंने सबको एक्सचेंजेस अनाउंसमेंट कर दी, उसके साथ साथ ही इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट कर दी कि इसे भाई हम तो इसे फ्यूचर भी देंगे, यानी कि अब इनको मैनिपुलेट करने की आज़ादी मिल गई है, तो अभी कितना भी कुछ कर सकते हैं। अगर अभी इस सिंगल एक छोटे से टाइम फ्रेम की बात करते हैं, देखिए बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम है, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लेके चलते हैं, तो आप देख सकते हो कि एक फॉलिंग वेज सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अभी वीक की बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इसको यहाँ तक जाना चाहिए, जो हमारे पास ये आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल, तो मेरे हिसाब से इसको यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ, अगर जो रिस्क टेकर है छोटी सी एंट्री चाहे तो ले सकते हैं, बाकी जो लंबे टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो उनके लिए मेरे हिसाब से यहीं पर एंट्री बनती है। ठीक है, क्या आप तक अगर नहीं मिले तो हम आगे चलकर सिनेरियो देखेंगे, क्योंकि आज ही लिस्ट हुआ, आज ज़्यादा इसके अंदर पंप डंप देखने को मिलेगा, तो 2-3 दिन बाद इसकी सारी औकात समझ में आ जाएगी आपको। तो अभी फिलहाल ये लग रहा है कि आप 10 तक भी जाता हुआ दिखाई दे जाए, 10 से $10.50 तक। ठीक है, तो अभी इस चार्ट पैटर्न के बेसिस पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये था दोस्तों आप सभी के सामने हमारे इस वीडियो के लिए जानकारी। तो जैसा आपको लगे इसके साथ कर सकते हैं, मैं इसी पर जैसे ही मुझे रेंज में दिखाई देगा या थोड़ा सा महंगा भी खरीदना पड़ जाएगा, पर मैं 2-3 दिन बाद थोड़ा सा और श्योर जाऊंगा, बट अभी मैं अपनी बिड लगा के रख देता हूँ यहाँ पर। और इस वीडियो के अंदर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन फ्यूचर मान लो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, काफ़ी अच्छा ये करके दिखाएंगे, जैसा कि इनके साथ टीम डेवलपमेंट है, तो मेरे हिसाब से इजीली है ना अपना जो ऑल टाइम हाई इसने बाइनेंस पे जो अचीव किया, मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, 2023 या 2024 के बीच तक मैक्सिमम मैं लेकर चलो 2023 तक ही आपके ऑल टाइम हाई जो $100 हिट किया है आसानी से हिट कर जाएगा इसको। अभी के लिए रिसेंट सिनेरियो, इसके डेवलपमेंट और जैसे जैसे इसके साथ अनाउंसमेंट होगी और इसके टोकोनॉमिक्स को देखकर, ठीक है, रोड मैप को देखकर ऐसा लगता है कि ये ऐसा कर सकता बहुत ही आसानी से, जैसा डॉट ने किया, सोलाना ने किया, इथेरियम ने किया। ठीक है, अब इस कॉइन की बारी है, तो इसे मिस नहीं करना, आपके पास बैग में जरूरी है, होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।